हेलो जी, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो देखो, मैं कहाँ आ गई हूँ, अपने घर में, यहाँ अपने गांव में। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये आज हम कर रहे हैं साफ़ सफाई, क्योंकि यही है हमारा घर। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये लगे हैं ऊपर, कितना बुरा हाल है। यहाँ पे ना कबूतर बड़े बड़े आते हैं, और कबूतर मतलब जब कोई रहता नहीं है तो फिर साफ सफाई की बड़ी मुश्किल होती है। ये देखो कौन आया। हेलो, ये देखो, सारे वीडियो में आओगे आप। खांदा है ये डरी याद है तुहे छिक्का और ये छिक्का। तो ये ना कढ़ाई मैंने रख दी, और यहाँ बन रही है मेरी चाय, और तेल मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं ये है लहसुन और प्याज ना, मैं इसको कूट लेती हूँ पहले ना, फिर डालूंगी मैं इसमें मसाला। तो मेरा खत्म हो गया है, ये मेरा अदरक खत्म हो गया है, मेरे को ध्यान नहीं रहा कल ना, तो इस वजह से फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब अदरक है नहीं, और चलो जो भी है ठीक है, इसी से बनाते हैं। अब साग है, साग बनाया था मैंने, तो उसको जो है वो अब करूंगी मैं ना। 1 मिनट मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, इसको ऐसे करके अच्छे से। इसमें ना जैसे साग बनाया था मैंने ना, मेथी ज्यादा थी उसमें, और ये मेथी ज्यादा थी, मतलब सरसों के पत्ते थे, मेथी थी, सौंफ थी, तो कल बना लिया था मैंने। ये तो ना साग जो है वो बना रहे ना, इसको जितना इसको बासी खाए ना, मतलब फ्रिज में रखे ना, उतना ये टेस्टी होता जाता है। तो जैसे बनाए उस दिन तो नहीं, इसको मतलब खा भी लेते हैं पर इतना टेस्टी नहीं लगता है, 2-3 दिन के बाद ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आज जो है वो मैं इसको लगाऊंगी तड़का, इसमें जितना लहसुन जाए उतना ही ये इसका टेस्ट आता है। तो अब टाइम भी हो रहा है मेरा खाना खाने का, तो मैंने सोचा चपाती हूँ, तो मैंने सुबह ही बना ली थी खुद को। अब मैं इसमें तड़का वगैरह डाल के अच्छे से, हरी मिर्च मैंने पहले साग में डाल दी थी, ज्यादा से ज्यादा डाल दी थी, मतलब 5-6 हरी मिर्चें डाल दी थी। तो आज जो है वो मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डालूंगी। तो ये हो गया मेरा अदरक लहसुन का, ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी खत्म हो गया है, वो भी मुझे बनाना है अब ना। मेरे को ध्यान नहीं रहा कि बाजार से लाना था मैंने, और भूल गई मैं। अब जो है मैं इसको डालूंगी, ऊपर खाएंगे धूप में बैठ के ना। ये देखो आज तो चपाती में बनाई है ना, मैंने सुबह उनको नाश्ता दिया था, तो साथ साथ में खुद को भी बना ली थी। और अब चपातियाँ हैं, बस ये साग जो बनाया था मैंने, ये देखो आप, ये आप इसको लगाऊंगी मैं तड़का अच्छे से, और फिर धूप में बैठ के खाएंगे इसको खाना जो है। और साथ में बन रही है मेरी ये चाय, बन गई है इस साइड, ये बन गई है मेरी चाय, और ये भी बस हो जाएगा आप।
साथ में पियेंगे लस्सी का गिलास, सरसों का साग, मक्की की रोटी होती तो मजा ही आ जाता, पर है चपातियाँ। चलो आटा खत्म हो गया मेरे पास ना, अब लाऊंगी मैं उसको तो दोबारा। तो ये देखो आप, बस इतना सा ही तड़का लगाना इसको, थोड़ा सा ही करूँगी मैं, बाकी जो है वो बाद में फिर। बस इसको अब अच्छे से होने देंगे। और हेलो जी, राधे राधे, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो यहाँ हो गया मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं हो गई हूँ अब फ्री। अब खाना खाऊंगी और फिर बात करूँगी। तो जी ये बस हो गया मेरा खाना, इसको रेडी हो गया है, अब मैंने आपको बताया था कल, मैं कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, कल चली गई थी मैं अपने घर, तो वहाँ पे भी हमें साफ़ सफाई का था थोड़ा सा, क्योंकि बंद रहते हैं ना कमरे, तो फिर आपको पता ही है जब कमरे बंद होते हैं तो इतना साफ़ सफाई हो ही जाती है। और हमारा घर है वो स्लेट होते हैं ना, पहले के ज़माने में स्लेट, अभी भी कई लगाते हैं, तो स्लेटों वाला था, तो वहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कबूतरों की वजह से ना वो फिर उनकी जो बीट होती है ना वो बड़ी बड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वो हमने सारी कल सफाई की, पूरा दिन कल वहीं पर लग गया। तो प्लानिंग तो है अभी हमारी कि उसी के साथ जो है वो हम नया घर जोड़ लेंगे, जो पुराना घर है उसके साथ है। लेकिन अब प्लानिंग कुछ चेंज हो गई है, अब सोचते हैं समझते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अब देखो बच्चे भी बाहर पढ़ेंगे तो बच्चों का भी कम ही है घर में आना, क्योंकि इन्होंने तो बाहर ही रहना, तो हम मैं और मेरे हस्बैंड ही होंगे, तो हमें तो चलो जितना टाइम रहना है उतना टाइम वहाँ पर देखते हैं, साल दो साल के बाद फिर करते हैं प्लानिंग क्या करनी है, सोच समझ के बच्चों को भी पूछ के, तो देखते हैं अब क्या बनता है। चलो जी, गुजारा करना होता है, एक कमरा हो दो कमरे हो कुछ भी है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा घर है बना हुआ है मेरे ससुर जी ने जो मतलब बनाया हुआ है वो तो बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर भाई है ना, अब बच्चों को भी पूछना पड़ता है, क्योंकि ये घर में हमने बना लिया, फिर हम दो हैं, बच्चे आएंगे नहीं घर में, तो फिर वो तो पैसा लगाने वाली बात होगी। तो प्लानिंग तो कुछ कुछ बहुत ज़्यादा चल रही थी, कभी कुछ, तो देखते हैं अब सोच समझ के, साल छः महीने रेस्ट करके जब घर जाएंगे तो उसके बाद ही फिर प्लानिंग होगी अगली की क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाहर का भी है कुछ, बाहर लेने का भी है हमारा, पर देखते हैं। चलो जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, जिस तरह से भी जो भी होगा। और घर तो हमने जाना ही है, अभी कुछ ही टाइम में हम जाने वाले हैं, तो बस कि मतलब रहना तो वहीं पर ही है, वही सोच रहे हैं कि क्यों खर्चा करना ऐसे ही, क्योंकि पैसे का क्या है, पैसा तो जहाँ मर्जी लगा दो, और देखना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी पढ़ाने हैं, कल को इनकी शादियाँ भी करनी है, पढ़ाने भी हैं, तो बड़ा सोच समझ के हमें जो है वो कदम उठाना पड़ेगा। और फिर मैंने डैडी से भी मिलाया था आपको, डैडी के पास भी गई थी, तो डैडी जो है ना, देखो जब जो माँ बाप है ना, माँ बाप क्या कोई भी इंसान है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, बच्चों वाली हरकतें होती हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम भी बोलते थे कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, बुढ़ापे में ना इंसान पूरा का पूरा बच्चा बन जाता है। तो अभी डैडी है मेरे, तो डैडी मतलब बस यही बोलते हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ जाऊँगा, पर आपको पता ही है कि अब मैं तो चलो ले जाऊँगी उनको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले मैं जाऊँगी उनको, पर वही आ जाती है ना कि कुछ चलो कुछ अपनी घर की प्रॉब्लमें भी होती हैं, अब हर घर की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, मेरे को तो कुछ नहीं है ले जाने को, लेकिन हमारे वहाँ पे मतलब दूर है, जंगल पड़ता है, फिर कभी कुछ हो गया प्रॉब्लम होगी उनको तो मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे भाई भाभी भी हैं मेरे, वो भी बहुत केयर करते हैं उनकी, अगर मैं डैडी को ले गई, पर डैडी का क्या है, डैडी मेरे पास आएंगे तो फिर मेरे पास भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अब मैं मिलती हूँ उनसे जाके ना तो खुश हो जाते हैं। अब मेरा छोटा ब्रदर है, वो भी भाभी है मेरी, वो भी करते केयर कर ही रहे हैं उनकी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर पता ही आपको कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो दिमाग कैसा हो जाता है उनका, बच्चों की तरह हो जाता है, फिर रोने लग पड़ते हैं कि मैंने भी जाना ये वो इस तरह से, तो फिर बस यही है बुढ़ापे में इंसान जो है वो बच्चा ही बन जाता है। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपसे। सोने में जो आधा घंटा हम सोई कर लेता हूँ, फिर चलते हैं दूध लाना है। अच्छा था तो काय का हो गया क्या देख रहा है मैक्स, क्या करना
की नहीं तूने घूमी घूमी की ना घूमी घूमी अभी अभी की ना अब क्या करना अब को करना मोर पुटर ने क्या करना नाई करनी नाई नाई चलो चलो नाई नाई करनी चल चल नाई नाई करनी चलो चल ले नाई करनी चल छोई करनी छोई कर ले छोई छोई कर लो कर लो छोई कर छोई कर ले छोई छोई एक क्या तरीका मैक्स तेरा ये कुछ बड़ा था अच्छा छोई करनी छोई छोई करनी छोई अटले छोई छोई करो उठ छोई करो सारे बिस्तरे बाहर लाए उठो देख 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 छोई करनी छ बाड़ा जुड़ जाएगी छ मैक्स क्या हो रहा है छोई करनी जाने वो बोलना नहीं जोड़ी ले छोई करनी इस छोई करनी छोई ओ देख छोई छोई इसने सामना देर बहुत टाइम टीवी लाने जा रहा है।